बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवी 9 चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके हमने दो सब टॉपिक्स कवर करने हैं आज की वीडियो में, जो कि कौन से हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है किसी एटम की, वो ये होती है कि किसी कंपाउंड में उस एटम पर कौन सा चार्ज आया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की ही बात कर लें, तो सोडियम क्लोराइड में Na सोडियम जो होता है सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज आता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस वन होगी। हम एग्जांपल्स आगे देख लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज ऑफ एटम इन अ कंपाउंड के, किसी कंपाउंड में एक एटम पर जो चार्ज आएगा वो उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। और एटम के ऊपर चार्ज कब आता है, ये हमने पढ़ा था कि या इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से या इलेक्ट्रॉन लूज करने से, तब क्या आता है? चार्ज आता है और आयोनिक बॉन्ड बनता है। जब आयोनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज से, तो वो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। जबकि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की हो शेयरिंग, उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और वो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। तो हम देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह फाइंड कर सकते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर हम एलिमेंट की बात करें प्योर फॉर्म में इन फ्री स्टेट, तो तब एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ज़ीरो। इन फ्री स्टेट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन अगर एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में नहीं है, वो किस फॉर्म में हो? बाउंडेड फॉर्म में हो। एलिमेंट का जो एटम है वो बाउंडेड फॉर्म में हो, तो उस एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? वो ये होगी कि वो जिस ग्रुप में मौजूद है उस ग्रुप का जो नंबर है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। पहले हम आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल देख लेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड जैसे कि अभी बात की थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन किए जाते हैं या फिर लॉस होते हैं। जैसे कि अगर NaCl की बात की जाए तो NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। और ये कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। Na के आउटर मोस्ट शेल में, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन। चूंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सेवन इलेक्ट्रॉन्स लेने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके लिए फिजिबल यही है कि वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, आउटर मोशल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो जब सोडियम अपने आउटर मोशल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस वन। तो जो प्लस वन चार्ज है वो उसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोशल में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोशल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल होते हैं 17। तो क्लोरीन को अपना आउटर मोशल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? सिर्फ एक की। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव वन, माइनस वन। तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? माइनस वन होगी। अब हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैसे कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब दो एटम्स के दरमियान हुई हुई होती है, तो दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का होता है डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है कि एक एटम की कैपेसिटी के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों एटम्स ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना है, वो कितना स्ट्रॉन्गली एक एटम अपनी तरफ खींचता है, वो उसकी होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जब हमने बात करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है कितना, जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आएगी। जैसे कि अगर हम बात कर लें स्टेनिक क्लोराइड की, टेट्रा क्लोराइड की, तो जो स्टेनिक है इसकी क्या होती है? ये फोर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। कितने क्लोरीन के साथ? चार क्लोरीन, फोर क्लोरीन एटम क्या करते हैं? हर क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है? स्टेनिक से। और इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि स्टेनिक जो है एट अ टाइम अपने आउटर मोस्ट शेल के फोर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होता है? शेयर कर रहा होता है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आता है? प्लस फोर आता है। जबकि क्लोरीन जो है, हर एटम, क्लोरीन के चार एटम हैं इन्वॉल्व, जिनमें से हर एटम जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से शेयरिंग कर रहा होता है, तो इसलिए क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस वन। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें
किस तरह पता चल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ग्रुप के नंबर से अंदाज़ा लगा लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी है क्या। कि सपोज़ हमें हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का कहा गया है, तो हम ये देख लें कि हाइड्रोजन किस ग्रुप में है। हाइड्रोजन जिस ग्रुप में मौजूद होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लें। जिस एलिमेंट या जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखनी है, हम उसके क्या चीज़ देख लें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ए, अगर फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम या सोडियम, चूँकि ये फर्स्ट ए ग्रुप के हैं तो वन से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी क्या होगी, वन ही होगी। इसी तरह अगर सेकंड ए ग्रुप की बात करें तो सेकंड ए है तो इनके इन ग्रुप्स के इस ग्रुप के जो एटम्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस टू होगी। इसी तरह थर्ड ए ग्रुप के एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, थर्ड होगी। जबकि फोर्थ ए ग्रुप के जो एटम्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, फोर होगी। या फिर ये देख सकते हैं कि इनके आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, उस बेस पे भी। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें पता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, वन। अगर हम इनकी बात करें बेरियम की, मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन्स, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स तब भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दो ही आएगी। अगर हम यहाँ पे ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स की बात कर लें तो भी इनके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होगी, तीन। और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के भी आउटरमोस्ट शेल में होते हैं फोर इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, फोर। तो हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, या तो ग्रुप नंबर देख लें कि वो किस ग्रुप में मौजूद है, जिस ग्रुप में एलिमेंट एटम मौजूद होगा वो क्या होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिफ्थ ए ग्रुप की, फिफ्थ ए ग्रुप में नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले एलिमेंट्स आते हैं। फिफ्थ ए ग्रुप के अगर हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखें तो हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फाइव। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फाइव। अगर हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे फाइंड करें कि नाइट्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो आउटरमोस्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑटोमेटिकली फाइव होगी। लेकिन अगर हम इस ये बात करें कि नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांच इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, चाहिए किसे उस चाहिए किसे कितने चाहिए उसे, तीन चाहिए, तो तीन वो ले ले, तीन के साथ वो शेयरिंग कर ले, तीन उसके अपने किसी दूसरे एटम के तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब शेयरिंग करेंगे तो टोटल कितने हो गए, छः। दो इलेक्ट्रॉन तो उसके पास अपने पहले से पड़े हुए हैं, पांच इलेक्ट्रॉन थे, उन पांच इलेक्ट्रॉन में से दो को उसने इन्वॉल्व नहीं करवाया, तीन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, किसी के साथ शेयरिंग कर ली। तो जो तीन अपने किसी और के साथ शेयर करेगा तो थ्री और थ्री कितने हो जाएंगे, सिक्स, और दो उसके खुद के पड़े हुए थे तो टोटल एट, यानी उसका आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाएगा, कम्प्लीट। तो या फिर हम तीन इलेक्ट्रॉन जो कि अवेलेबल वैलेंसी है उस बेस पे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कह सकते हैं, प्लस थ्री भी कह सकते हैं और प्लस फाइव भी कह सकते हैं एटम्स की। अगर सिक्स ए ग्रुप के एलिमेंट्स की बात की जाए तो उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम कैसे है जैसे कि फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स की, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे भी हम कह सकते हैं या फिर अवेलेबल वैलेंसीज के बेस पे भी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, प्लस सिक्स, जो कि किस बेस पे है, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सल्फर की बात की जाए, यहाँ पे आपको एग्जांपल शो हो रही होगी, शो रहा होगा सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। सल्फर ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, छः बॉन्ड बनाए हुए हैं। इट मीन्स कि सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, छः, और छः के छः सल्फर ने क्या कर लिए हैं, शेयरिंग कर लिए। तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में छः ही इलेक्ट्रॉन्स थे, उसी बेस पे उसने छः के छः क्या कर लिए, शेयर कर लिए, तो इसकी कितनी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, प्लस सिक्स। लेकिन अगर हम वैलेंसी की बात करें, चूंकि इसके पास आउटरमोस्ट शेल में छः इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, रिक्वायर्ड कितने हैं, दो, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, दो होगी, माइनस टू। तो उस बेस पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कह सकते हैं, माइनस टू भी। तो किसी एटम के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर या तो हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लें या फिर अवेलेबल वैलेंसीज देख लें। अब अगर हम बात करें सेवन्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो सेवन्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में होता है सिर्फ एक, आउटरमोस्ट शेल में होते हैं सेवन इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ एक। अवेलेबल वैलेंसी उनकी कितनी होती है, वन, तो उस बेस पे उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, माइनस वन ही होती है। अगर एट्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स की बात की जाए तो एट्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या होता है, कोई वैलेंसी नहीं होती आउटरमोस्ट शेल में, कोई वैलेंसी अवेलेबल नहीं होती। आउटरमोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीट, तो उनमें क्या होती है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी।
अगर हम बात कर लें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, 1 to 8 B तक, जो कि सब ग्रुप्स हैं। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इक्वल टू ग्रुप नंबर, वही सेम केस के जैसे अभी हमने बात की थी बाकी एलिमेंट्स के लिए भी, जो ग्रुप नंबर होगा वही उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन अगर हम बात करें अवेलेबल वैलेंसीज की, तो ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें कौन सा वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा होता है, डी ऑर्बिटल होता है। जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो उस बेस पे जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, हम इसकी रीज़न देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है क्या। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और दूसरी ये चीज़ कि क्या वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मींस कि अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हो या एटम हो जिसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद भी हों और वो फ्रीली मूव भी कर सकते हों, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। फर्स्ट ए ग्रुप के, सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, मेटल्स हैं, हम पढ़ चुके हैं। और हमें बताया है, मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। जबकि सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। जबकि फर्स्ट बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोइनेज मेटल्स। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ग्रुप में फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ट्रेंड टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जबकि अगर फर्स्ट बी के एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वैल्यूज़ होती हैं, किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। हम बात कर लें ट्रांजिशन सीरीज की, तो ट्रांजिशन सीरीज में एज सच कोई ट्रेंड नहीं है। मींस के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत थोड़ी होती है, कुछ में बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई जनरल रूल नहीं है ट्रांजिशन सीरीज के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। अगर हम बात कर लें कार्बन की, तो कार्बन में अगर हम कार्बन के डायमंड फॉर्म की बात कर लें तो डायमंड क्या है, नॉन कंडक्टर है। डायमंड क्यों नॉन कंडक्टर है, अभी हमने कहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना भी ज़रूरी है ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। फ्रीली मूव कर सकेंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। हमें बताया करंट किस चीज़ का नाम है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। तो अगर डायमंड की बात की जाए तो डायमंड में एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 कार्बन एटम के साथ बाउंडेड होता है। एक कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मजीद बाउंडेड होते हैं किन के साथ, 4 कार्बन एटम्स के साथ ही। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता फ्री मूवमेंट के लिए, तो हम कह सकते हैं कि डायमंड क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा। लेकिन जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्रीली मूव कर सकता है। उस बेस पर हम क्या कहते हैं कि कार्बन अगर ग्रेफाइट के फॉर्म में मौजूद है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात कर लें, क्योंकि वो हैं ही नॉन मेटल्स तो वो इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टेंस शो नहीं करेंगी, तो वो क्या होंगी, नॉन कंडक्टर होंगी। जैसे कि नॉन मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 7th A और 8th A ग्रुप के एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।